आप सभी लोगों ने सुना होगा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में, जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, इसमें एक नक्सलवादी हमला हुआ है, जिसमें आपने देखा है कि कई हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो चुके हैं। और आपने देखा होगा कि ये आज की एक ही घटना नहीं है, इस तरह की घटना आए दिन हम लोग देखते रहते हैं। और आप लोग इससे ये भी आप लोग समझ गए होंगे कि किसान और एक तरफ जवान और एक तरफ देखिए आम आदमी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। आप समझ रहे हैं? आप सोचिए, अभी आप लोगों ने ये भी सुन लिया होगा कि किसी नेता का नाम भी उसमें आ रहा है। समझ रहे हैं? और आप समझिए कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हम लोग अभी भी उनकी, मतलब आप समझिए कि कोई उनसे बात नहीं निकल पा रहे हैं, एक तरह से जानकारी इकट्ठी नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। तो कभी कभी तो लगता है कि ये सब मिले ही भगत रहती है इनकी, कि मतलब आप सोचिए कि पुलवामा हमला हुआ और आप समझ सकते हैं कि उसमें हमारे कई जवान जवान शहीद हो गए, और आप समझिए आज तक उसकी कोई मतलब जानकारी नहीं आई, उसकी जांच ही का कोई मालूम ही नहीं चलता है। और एक तरफ आपने देखा होगा जांच होनी चाहिए, देखिए कोई भी केस हो, मुंबई का मामला आपने देखा होगा, किसी ने मुकेश अंबानी के घर के सामने कोई कार खड़ी कर दी थी, उसकी जांच आपने देखी कितनी जल्दी हुई है। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि देखिए आम आदमी हो या आपके जवान हो या फिर आप समझिए कि किसान हो, इनकी मुझे लगता है कि कोई जान की कीमत नहीं है। अभी कोई आप समझिए कि कहीं किसी और के ऊपर हुआ होता तो देश में आप देखते कि क्या क्या होता। आप लोगों ने सुना होगा एक बार आतंकवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट के रात में दरवाजा भी खुल गए थे, यानी कि लोग याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चले गए थे। अब देखिए, अब कोई एक तरह से नहीं, ये आप लोग कह सकते हैं कि भारत का दुर्भाग्य, जो हमारी भारत माता है, इनका दुर्भाग्य ही कहिए कि ये समय हम लोगों को देखना पड़ रहा है। और एक समझिए कि आप लोग समझ सकते हैं कि नक्सल जैसी समस्या एक बहुत लंबे समय से चली आ रही है, अभी तक कोई इसका सुझाव मतलब सॉल्यूशन नहीं हुआ है। इस समस्या का समाधान तो होना चाहिए कि हम बाहरी देशों से लड़ें, आतंकवादियों से लड़ सकते हैं, लेकिन घर में किससे लड़ें, यानी कि भारत के भीतर ही इस तरह की समस्याएं देखी जा रही हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कुछ ज्यादा ही आप समझ कहिए कि चिंता का विषय हो जाता है। अभी कहीं मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, अभी आर्टिकल कहीं देख रहा था, उसमें तो यहां तक बताया जा रहा है कि ये नेता जो होते हैं ना, इन्हें चुनाव जितवाने का काम भी नक्सलवादी करते हैं, और इसीलिए ये उन्हें जो भी सामान होता है, जो सुविधाएं होती हैं, वो मुरे मतलब देते रहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं एक सामान्य जानकारी कि आप लोग देखेंगे कहां हुआ है, एक बीजापुर आप देखेंगे, सुकमा बीजापुर। तो ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत पृथ्वी पर, और एशिया में देखेंगे आप भारत को, और यहां देखिए आप लोग किस श्रीलंका हो गया, ये पड़ोसी हमारा, और यहां आप देखेंगे बांग्लादेश हो गया, ये म्यांमार, भूटान, नेपाल, ऊपर आपका चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, और ये है भारत। तो इसमें आप देखेंगे ये है छत्तीसगढ़, और यहाँ आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, एक बार आप लोग इसके जिले को देख लीजिए, ये है आपका बीजापुर, कहाँ है, ये है बीजापुर, और ये है आपका सुकमा जिला, ठीक है, इसमें काफी देखने को मिलती है। यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा छत्तीसगढ़, और आप सभी जानते हैं कि सन 2000 से पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, मध्य प्रदेश से अलग करके आपका छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था 1 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। और ये भी आप लोग याद रखिए कि इसकी राजधानी रायपुर है, इसका नया नाम रायपुर का आप जानते हैं अटल नगर रख दिया गया है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले, या फिर नक्सलवादी समस्या पर भी आपका मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगर बात करें इससे लगे हुए राज्यों की, तो मध्य प्रदेश से भी इसकी सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, और इसके बाद उड़ीसा, इसके बाद देखेंगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इसके पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लेता है, आपने देखा होगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स में कई बार पूछ लिया कि मध्य प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा लगती है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखा करिएगा। और इसके बारे में बात करें तो यहाँ की जनसंख्या आप लोगों को देखने को मिलेगी 2,55,45,198, ये 2011 की जनगणना के हिसाब से आंकड़े हैं, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 189 व्यक्ति पर किलोमीटर में वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ठीक है, ये भी आप लोग। क्षेत्रफल की बात करें तो आप जानते हैं कि 1,35,194 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है आपका छत्तीसगढ़। और आप सभी को ये भी मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जब एक हुआ करते थे तो
तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में आपका मध्य प्रदेश राज्य हुआ करता था, लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद राजस्थान पहले नंबर पर है और आपका मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। छत्तीसगढ़ में अगर हम लोग विधानसभा सीटों की बात करें तो 90 देखने को मिलेगी, और राज्यसभा सीटें यहाँ 5 हैं, लोकसभा सीटें यहाँ 11 हैं। उच्च न्यायालय की बात करें यानी कि हाई कोर्ट की, तो आप लोगों की इसकी मुख्य ब्रांच बिलासपुर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग मेन आर्टिकल पर, इससे भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर जिले की सीमा के पास टेरम क्षेत्र में सुरक्षा बलों के एक दल पर पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की एक टुकड़ी के द्वारा हमला किया गया, और इसमें कई सुरक्षाकर्मी मारे गए और कुछ घायल भी हुए हैं। इसके बारे में अगर बात करें PLGA के बारे में, तो इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी और इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, और गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत प्रतिबंधित भी किया गया है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, और याद रखिए मुझे ऐसा लगता है आप समझिए कि मतलब कुछ कोई समस्या है तो उसका समाधान तो होगा, और एक आप समझ सकते हैं कि बहुत लंबी लंबे टाइम से एक तरह से समस्या चली आ रही है, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि आप अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। अब इसकी मांग पर नहीं जाएंगे कि इनकी मांग क्या है, कुछ तो होगी। ठीक है, और यह जिला आप देखेंगे सुकमा जिले के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण सिरे पर स्थित है, और जिसे वर्ष 2012 में दंतेवाड़ा से अलग करके बनाया गया था। तो आपका जो स्टेट एग्जाम होते हैं छत्तीसगढ़ में, उनमें जरूर कई क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, यह जिला अर्ध उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र से आच्छादित है और जनजातीय समुदाय गोंड की मुख्य भूमि है, और आप जानते हैं कि नक्सलवादी जो भी होते हैं ये आपके जंगलों में ही एक अधिकतर देखने को मिलेंगे। इस जिले से होकर बहने वाली एक प्रमुख नदी है सबरी, गोदावरी नदी की सहायक नदी है सबरी, ये भी आपसे याद रखिएगा। ठीक है, कुछ दशकों के से यह क्षेत्र वामपंथी अतिवाद गतिविधियों का मुख्य क्षेत्र बन गया है। इस क्षेत्र को उबड़ खाबड़ और मुश्किल भौगोलिक स्थानों पर LWE कार्यकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बना दिया गया है। एक और आश्चर्य होगा आप लोगों को जानकर कि आपने देखा होगा कि अभी जो मुकेश अंबानी के घर के सामने गाड़ी रखने की बात हुई थी, तो सभी न्यूज चैनलों पर चलाया गया था, और आपने मैंने सबने देखा होगा मुश्किल से दो चार चैनलों पर 5-10 मिनट के लिए चला हुए मैटर, तो बहुत बड़ी बात है। वरना आप समझ सकते हैं कि दुनिया मतलब हमारे भारत में अधिकतर लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि ये छत्तीसगढ़ में कुछ घटना घटी हुई है। आजकल हम न्यूज पेपरों की भी और न्यूज चैनलों की भी हालत जान रहे हैं। कभी कभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनका नाम ऊपर से हटा देंगे आप लोग, तो कभी उनकी जो शब्द लिखते हैं या बोलते हैं तो लगता है कि ये किसी पार्टी के एक तरह से प्रवक्ता है, समझ रहे हैं, इतनी गिर चुकी है। भारत में वामपंथी अतिवाद की बात करें तो वामपंथी अतिवादियों को विश्व के अन्य देशों में माओवादियों के रूप में और भारत में नक्सलियों के रूप में जाना जाता है। भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के जिले नक्सलवाड़ी नामक गांव से हुई थी, इसीलिए आप देखते हैं इसका नाम नक्सलवादी पड़ गया है, और इस उग्रपंथी आंदोलन को नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है। जमींदारों द्वारा छोटे किसानों के उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए सत्ता के खिलाफ चारू मजूमदार कानू सन्याल और कन्हाई चटर्जी द्वारा शुरू किए गए इस सशक्त आंदोलन को नक्सलवाद का नाम दिया गया है। इन नामों को भी आप लोग याद रखिए। यह आंदोलन आप देखेंगे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जैसे कम विकसित पूर्वी भारत के राज्यों में फैल गया है, और यह माना जाता है कि नक्सली माओवादी राजनीतिक भावनाओं और विचारधारा का समर्थन करते हैं। माओवादी साम्यवादी का एक रूप है जो माओत से तुंग द्वारा विकसित किया गया, और इस सिद्धांत के समर्थक सशक्त विद्रोह जनसमूह और रणनीतिक गठजोड़ के संयोजन से राज्य की सत्ता पर कब्जा करने में विश्वास रखते हैं। और मुझे लगता है कि कोई समाधान तो देखिए होना चाहिए, और कोई समाधान पक्का होगा, अगर आप कोशिश करेंगे तो समाधान हो ही जाएगा। लेकिन अधिकतर नेताओं को आप देखते हैं कि अपनी रोटी बैंक इस तरह की, वो देखिए नेता किसी भी हद तक गिर सकते हैं, इतना तो आप लोगों ने जान लिया होगा। ठीक है, आपने देखा है कि बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, उनके बारे में क्या क्या कहा नहीं जा रहा है, और आप समझिए कि 300 के करीब आप किस एक तरह से किसान शहीद भी जो भी कह सकते हैं आप लोग, डेथ हो चुकी है उनकी, और आप सोचिए कोई अभी तक कुछ समाधान नहीं निकला हुआ है उसका। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति बनी हुई है।
और ये हर सरकारों का रहा है, ऐसा कोई नहीं है कि इसी सरकार का है। आप इंदिरा गांधी से लेके देख लिया आप लोग, इंदिरा गांधी के समय से ही मुझे लगता है कि आप समझ सकते हैं राजनीति हमारे यहाँ की बदल चुकी है बहुत। ठीक है, अब केवल चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार भी हैं ये लोग। वामपंथी के अतिवाद का कारण अगर बात करें हम लोग, तो आदिवासी असंतोष। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उपयोग आदिवासियों को लक्षित करने के लिए किया गया, जो अपने जीवन यापन हेतु वनोपज पर निर्भर हैं, और विकास परियोजनाओं, खनन कार्यों और अन्य कारणों की वजह से नक्सलवाद प्रभावित राज्यों में व्यापक स्तर पर जनजातीय आबादी का विस्थापन हुआ है। माओवादियों के लक्ष्य के लिए आसान लक्ष्य, ऐसे लोग जिनके पास जीवन जीने का कोई स्रोत नहीं है, उन्हें माओवादियों द्वारा आसानी से अपने साथ लिया जाता है, और माओवादी ऐसे लोगों को हथियार, गोला बारूद और पैसा मुहैया कराते हैं। और आप समझिए कि एक सबसे बड़ी तो है प्रॉब्लम रोजगार और अशिक्षा की। अगर आप सोचिए कि किसी को 200 रुपये मजदूरी मिलती हो, उसे 500 रुपये आप लोग देने लग जाए, तो वो तो कुछ भी करने के लिए तैयार रहेगा। बड़ी अच्छी किसी ने बात की है कि देखिए कितना आसान है बंदूक देना, एक तरह से आप समझिए कठिन है, और कलम देना बड़ा आसान है, फिर भी लोग क्या दे रहे हैं, बंदूक। धर्म को देख लीजिए आप लोग, धर्म आपने देखा होगा कई धर्मों में ऐसा धर्म गुरु जो भी रहे हैं, देखिए कोई भी धर्म लड़ना नहीं सिखाता है, अलग होना नहीं सिखाता है, लेकिन जो धर्म गुरु होते हैं वो देखिए लड़ना सिखाते हैं। और आप जानते हैं कि लड़ने से आसान जोड़ना, एकता बनाना आसान है, लेकिन फिर भी वो ऐसा काम करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि किसी भी क्षेत्र को अगर आपको विकसित करना है, तो वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, रोजगार, शिक्षा, आप समझिए कि वो भी समझदार हो जाएंगे। ठीक है, देश की सामाजिक आर्थिक प्रणाली में अंतराल, तो सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किए गए विकास के बजाय हिंसक हमलों की संख्या के आधार पर अपनी सफलता को मापती है, और यही आप समझ सकते हैं प्रॉब्लम है कि आप समझिए कि वहां आप लोग कितने लोगों को मार सकते हैं। और आप समझ सकते हैं हमारे ही भीतर के लोग हैं, पाकिस्तान के होते कोई आतंकवादी, और इन्हें भले ही आपने संगठन को आतंकवादी घोषित कर दिया है, तो इससे उनके लिए कुछ मतलब, उनकी किस कारण से बना हुआ है ये तो देखना चाहिए मुझे लगता है। नक्सलियों के से लड़ने के लिए मजबूत तकनीकी बुद्धिमत्ता का अभाव देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए ढांचागत समस्याएं, कुछ गांव अभी तक किसी भी संचार नेटवर्क से ठीक से जुड़ नहीं पाए हैं, छत्तीसगढ़ में आप लोगों को देखने को मिलेगा, उड़ीसा में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और प्रशासन से कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं, यह देखा जाता है कि पुलिस द्वारा किसी क्षेत्र पर नियंत्रण किए जाने के बाद भी प्रशासन उस क्षेत्र के लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में विफल रहता है। और आप समझ सकते हैं कि नेता अगर इन्हें सुविधाएं उपलब्ध करवा दें, तो आप समझिए ये भी समझदार हो जाएंगे। तो नेता कभी नहीं चाहेंगे कि आप लोग पढ़िए लिखिए, आप लोग एक तरह से जागरूक बनिए, वरना उनकी रोटियां बंद हो जाएंगी। नक्सलवाद से एक सामाजिक मुद्दे के रूप में निपटा जाए, या फिर सुरक्षा के खतरे के रूप में, इस पर अभी भी भरम बना हुआ है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप समझिए कि हम लोग कभी भी किसी परिवार से अगर कोई मेंबर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, वो छोड़ के उस परिवार को जाता है, तो उस परिवार से पर क्या बीतती है, क्या दुख रहता है, उसे मुझे नहीं लगता है कि कोई नेता हो कितना भी अच्छा हो वो कोई नहीं समझ सकता है, ना तो हम समझ सकते हैं ना आप समझ सकते हैं, उस परिवार का वही मेंबर समझ सकता है। ठीक है, LWE किसे लड़ने की समस्याओं की अगर सरकारी पहल की बात करें, तो ग्रे हाउंड, इसे वर्ष 1989 में एक विशिष्ट नक्सली विरोधी शक्ति के रूप में अपनाया गया था। फिर आपने सुनते हैं ऑपरेशन ग्रीन हंट, वर्ष 2009-10 में शुरू किया गया था, और इसके अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती भी की गई थी। LWE मोबाइल टावर परियोजना, तो LWE क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 2014 में सरकार ने LWE प्रभावित राज्यों में मोबाइल टावर की स्थापना को मंजूरी भी दी थी। आप आकांक्षी जिलों के बारे में भी पढ़ते हैं, तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था, और जिसका उद्देश्य उन जिलों में तेजी से बदलाव और विकास करना था जिन्होंने प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम प्रगति की थी। और एक समाधान की आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी, इसमें समाधान का मतलब होता है एस का स्मार्ट लीडरशिप, ए का मतलब होता है आक्रामक रणनीति, एम का मतलब प्रेरणा और प्रशिक्षण, ए का मतलब एक्शनेबल इंटेलिजेंस, और डी का डैशबोर्ड आधारित KPI मुख्य प्रदर्शन संकेतक, और KRA मुख्य परिणाम चित्र, और एच का हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, ए का मतलब प्रत्येक रंगमंच के लिए कार्य योजना, और एन का मतलब फाइनेंसिंग तक कोई पहुंच नहीं। यह सिद्धांत आप देखेंगे LWE समस्या के लिए वन स्टॉप समाधान है,
और इसमें विभिन्न स्तर पर तैयार की गई अल्पकालिक नीति से लेकर दीर्घकालिक नीति तक सरकार की पूरी रणनीति शामिल है। इसमें आगे की राह क्या हो सकती है? हाल ही के दिनों में आप देखेंगे एलडब्ल्यू हिंसा की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन ऐसे समूहों को खत्म करने के लिए निरंतर ध्यान देने का और प्रयास करने की आवश्यकता है। सरकार को दो चीज सुनिश्चित करने की जरूरत है, एक तो शांतिप्रिय लोगों की सुरक्षा और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों का विकास, और आप समझिए वहां शिक्षा देगी तो मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई शिक्षा प्राप्त करता है तो वो गलत रास्ते पर चल सकता है, ठीक है, और उसे सुविधाएं। इनकी प्रॉब्लम आखिर मेन जड़ तक तो पहुंचना जरूरी भी है, वरना आप देखते रहेंगे कि इस तरह की होती रहेंगी घटनाएं। केंद्र और राज्य सरकारों को विकास तथा सुरक्षा के मामलों में अपनी समन्वित प्रयास जारी रखना चाहिए, और जहां केंद्र को राज्य पुलिस बलों के साथ एक सहायक भूमिका निभानी चाहिए। सरकार को सुरक्षा कर्मियों के जीवन के नुकसान को कम करने के लिए ड्रोन के उपयोग जैसी तकनीकी समाधान पर ध्यान देने की आवश्यकता भी है। तो यही है आपका जो नक्सली घटना हुई है आपकी छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में जो भी कहानी रही है एक तरह से आप समझ सकते हैं, और उनके लिए हम लोग आप समझ सकते हैं कि दुख नहीं, आप सोचिए कि कितना भी हम लोग कुछ भी शब्द लिख लें वो कम ही पड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके परिवार पर क्या बीतती है हम आप कभी ना समझ पाए हैं और ना समझ सकते हैं। नेताओं की छोड़िए, देखो नेताओं का तो एक घड़ियाल जैसा हाल है, आंसू बहाने जैसा, उनमें कोई भावनाएं नहीं होती हैं। मैं किसी का और भी किसी का मैं सुन रहा था तो बोलता, नेता बनने से पहले आप समझिए कि आप में क्वालिटी होना चाहिए, एक तो आप में से इंसानियत मर जानी चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग, और आप को झूठ बोलना, जितना झूठ बोल पाएंगे उतने ही आगे निकल पाएंगे। तो उनकी छोड़िए, लेकिन आप समझ सकते हैं बड़ी समस्या है, चिंताजनक भी है, और एक दिन की नहीं है, आप आए दिन सुनते रहते हैं, ठीक है। अब संवेदना ही व्यक्त कर सकते हैं हम लोग उस परिवार के साथ कि उसे इस घड़ी में, एक तरह से दुखद घड़ी में निकालने की कोशिश करे, भगवान यही करे, ठीक है।